एक शहर है, नाम है अंबिकापुर। एक ऐसा शहर जो छोटे शहरों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर है। वहीं अब यही शहर देश में पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त शहर बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही यह शहर बन चुका है देश का पहला ऐसा शहर जहां 1 किलो प्लास्टिक के बदले मिलता है भोजन। सही मायने में अंबिकापुर ने बीते 5 वर्षों में इतनी तरक्की की है कि उसने न छत्तीसगढ़ के अन्य नगर निगमों को नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े निगम क्षेत्रों को भी विकास के मामले में पछाड़ दिया है। अंबिकापुर में यह बदलाव यूं ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे एक शख्स हर मोर्चे पर खड़ा रहा। एक डॉक्टर बीमार शहर को ठीक करने में लगा रहा। कौन है वह व्यक्ति? आखिर कैसे बना अंबिकापुर देश में नंबर 1 स्वच्छ शहर? अंबिकापुर, प्रकृति की गोद में बसा एक शहर अंबिकापुर, पृथ्वी में स्वर्ग का एहसास कराने वाला शहर अंबिकापुर, सरगुजा का जिला मुख्यालय अंबिकापुर, यही अंबिकापुर आज देश में छोटे शहरों में सबसे स्वच्छ शहरों में नंबर 1 पर है। अंबिकापुर आज देश के अन्य शहरों के लिए सफाई में रोल मॉडल बन चुका है। लेकिन अंबिकापुर को आज सबसे स्वच्छ सुंदर बनाने में जिस एक शख्स का सबसे बड़ा योगदान है, वह है एक डॉक्टर का। डॉक्टर ने शहर की नब्ज को पकड़ते हुए बीते 5 सालों में ऐसा इलाज किया कि अंबिकापुर का नाम पूरे देश में रोशन हो गया। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि अंबिकापुर नगर निगम का महापौर है। नाम है डॉक्टर अजय तिर्की। डॉक्टर अजय तिर्की अपने इलाके में सबसे संवेदनशील चिकित्सक के तौर पर वर्षों से ही प्रख्यात रहे हैं। लेकिन अब उसी संवेदनशीलता और अपनी रचनात्मक विकास पर कार्य करने वाले महापौर के रूप में भी चर्चित हो चुके हैं। सौम्य एवं मिलनसार छवि के महापौर अजय तिर्की ने अपने नगर निगम में बीते 5 सालों में इतना विकास किया है कि आज अंबिकापुर को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग देखने आ रहे हैं। डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि हमने जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। सबसे ज्यादा चिंता टैक्स की होती है, हमने टैक्स कम करने का फैसला लिया है। आज हमारा निगम देश का सबसे स्वच्छ और साफ सुथरा निगम क्षेत्र है। इसके पीछे सिर्फ मेरा नहीं बल्कि यहाँ के तमाम लोगों का हाथ रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पिछले सिस्टम के जो सारे माइनस थे, 1.5-2 साल हमें उसे इक्वलाइजेशन में लग गए और मेरा साहब के प्रयास से और तत्कालिक प्रभारी मंत्री जी के पास जाकर हम लोगों ने निवेदन करके उन सभी चीजों को इक्वलाइज किया और फिर वहां से हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। हमारे सदन की सोच पहले ही थी कि शहर में हम लोग टैक्स कम करेंगे और पहले ही सदन में हम लोगों ने टैक्स कम करने के लिए उस समय के शासन को भेजा था, किंतु उनके द्वारा उस पर कोई पहल नहीं की गई। लेकिन चूंकि अभी हमारी सत्ता है, हमने पहल किया है और अपील भी किया है और निश्चित तौर पर टैक्स आधा होगा शहर का। हमारी सोच थी कि हम शहर को एक स्वच्छ शहर के रूप में देखना चाह रहे थे और उसमें हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसमें पहल किया जाए और करते करते प्रशासन की ओर से भी सहयोग और यहाँ पे हमारे जो सीनियर जनप्रतिनिधिगण माननीय महाराज साहब और बाकी सभी और हमारे इलेक्टेड मेंबर सभी ने सहयोग करते हुए एक सोच के साथ जो डोर टू डोर कलेक्शन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने शुरू किया और उसके कारण अंबिकापुर शहर को पूरे देश में विदेश में एक नाम मिला और इसमें हमारे स्वच्छता बहनें जो इसमें सहयोग कर रही हैं उनको भी मैं नमन करूंगा, उनके परिश्रम को कि उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटा, चाहे वो धूप हो बारिश हो किसी भी परिस्थितियों में वो शहर को स्वच्छ रखने के लिए लगातार लगे रहते हैं। और हमारे पूरे नगर निगम की टीम, कमिश्नर्स, इंजीनियर की टीम, सफाई की टीम, सभी कोई मिल के एक और सबसे बड़ा हाथ इसमें हमारे शहर के सम्मानित नागरिकों को ही देना चाहूंगा मैं निश्चित तौर पे कि उनके सहयोग के बगैर हम कभी इस अपने सोच को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अंबिकापुर जिस तरह से सफाई में नंबर 1 बना, उसी तरह से यहाँ की तमाम समस्याओं को दूर कर हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का संकल्प महापौर ने लिया है। डॉक्टर तिर्की कहते हैं कि पानी और बिजली को लेकर जो दिक्कतें रही हैं, उसे हमने बहुत हद तक दूर भी किया है। आज पूरा अंबिकापुर पूरी तरह से जगमगा रहा है।
हर निगम के सभी वार्ड क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानें खोले जा रही हैं। अभी 36 वार्डों में पीडीएस की दुकानें भी खुल चुकी हैं। जैसे कि इसी तरह हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़े और हमारी जो सोच आगे तक सोचने की जो हमारी मंशा रही है, हमने देखा कि बाकी डैम से जो पानी हमें सप्लाई हो रहा है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट के हिसाब से अगले 10 साल में हम शॉर्टेज में चले जाएंगे, और उसी के तहत फिर हम लोगों ने नया प्रोजेक्ट डेवलप किया और उसमें सोचा, और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो हम उसी समय उसको पहले विजिट में ही प्रेजेंटेशन किए थे, और जो हमारे स्वच्छता में अव्वल रहने के कारण लोगों की नज़र हम पे पड़ी और अमृत योजना में हमें सबसे पहले ये कार्य योजना मिला। अमृत योजना के तहत 106 करोड़ का जो पानी अगले 50 साल तक हम लोग कंप्लीट होने के बाद में हमें पानी की शॉर्टेज नहीं रहेगी, और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है ट्रेंड यहाँ का, उस हिसाब से भी हमें अभी 50 साल तक पानी समस्या नहीं रहेगी। और जो खरीदियाँ थी, चाहे वो लाइट की खरीदी हो, चाहे दवाई की खरीदी हो, छिड़काव की स्थिति हो, इन सब चीज़ों में जो एक्स्ट्रा खर्चे थे, निश्चित तौर पे हमने उसे आधे से भी कम दाम में आज के डेट पे, जो 10 साल पहले जो खरीदी हुई थी, आज के डेट पे वही चीज़ को हम आधे रेट पे ले रहे हैं। बेवजह के एस्टेब्लिशमेंट खर्च थे, उन सबको कम करने के लिए हमने कदम उठाए हैं, और इसमें हम लोगों ने जो हमारी मंशा थी कि हर वार्ड में पीडीएस भवन हो, तो हम लोगों ने कोशिश करते करते अभी 36 तक पहुंचाया है, और निश्चित तौर पे कार्ड की संख्या पे हमारे राशन कार्ड रहते हैं, तो अभी हम 36 किए हैं, और हमारी जो मंशा है निश्चित तौर पे पूरे वार्डों में पीडीएस की व्यवस्था हो जाएगी। वही अंबिकापुर शहर स्वच्छता के साथ प्लास्टिक मुक्त शहर बनने की ओर भी अग्रसर है। अंबिकापुर में आज देश का पहला गार्बेज कैफे खुल चुका है। प्लास्टिक से वातावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में नेक पहल भी महापौर अजय तिर्की की देन है। दरअसल नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के बदले नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए गार्बेज कैफे की शुरुआत की है। यहाँ प्लास्टिक के बदले भरपेट खाना दिया जा रहा है। अजय तिर्की ने कहा कि हम उन लोगों को भोजन दे रहे हैं जो हमें 1 किलो प्लास्टिक लाकर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शहर को साफ रखने में मदद मिल रही है। इसकी खास बात यह है कि इस प्लास्टिक को सड़क निर्माण के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। कैफे को अंबिकापुर शहर के मुख्य बस अड्डे से संचालित किया जा रहा है। इसके साथ आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से लेकर अन्य तरह की पहल भी की जा रही है। अधोसंरचना में जो स्टॉर्म ड्रेन थे, जो शहर के बीच में छूटे हुए थे, उसे हमने शहर के बाहर तक किया, क्योंकि वो भराव की स्थिति हर बरसात में होती थी। अभी भी कुछ काम बचे हुए हैं और उसे अभी और एंड स्टेज तक पहुंचाने की जरूरत है। पानी को ट्रीटमेंट करके फिर आगे बहाव में छोड़ने की जरूरत है। ये सब हमारी सोच है और निश्चित तौर पे हम उसे पूरा करेंगे। तो जैसे सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने गार्बेज कैफे का एक कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें 1 किलो कोई प्लास्टिक कचरा उठा के लाता है तो उसे निःशुल्क भोजन कराएंगे, और 1/2 किलो प्लास्टिक लेके आता है निःशुल्क नाश्ता कराएंगे। तो ये हमें एक तो जागरूकता फैलाना कि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है, ये मानव के साथ साथ मवेशियों के लिए भी हानिकारक है और उसमें मृत्यु तक होती है मवेशियों की, ऐसा करके और हमारे पुअर रैग पिकर्स को हेल्प करने के उस पर हमने शुरू किया। और निश्चित तौर पे जो गलियों में कभी कभी कचरा दिखते हैं, प्लास्टिक्स दिखते हैं, वो भी हमारा साफ हो जाए, और वो भी एक सक्सेसफुल प्लान रहा जो देश में ही नहीं विदेश में भी एक डिस्कशन का विषय बन चुका है, और निश्चित तौर पे अंबिकापुर का अच्छा नाम हुआ है। वही नगर निगम क्षेत्र में एक और बेहतरीन कार्य किया गया जो अन्य निगम क्षेत्रों के लिए मिसाल है। यहाँ के डंपिंग यार्ड यानी कि जहाँ कचरा जमा किया जाता रहा हो, उसे एक सुंदर उद्यान में बदल दिया गया है। आज इसी जगह में लोग घूमने जाते हैं। वही निगम का भवन जहां अभी तक पानी टंकी के नीचे था, उसे नए जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। नए भवन निर्माण को मंजूरी मिल गई है।
शहर के अनेक तरह के सौंदर्यीकरण में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमने जो 25 साल का जो डंपिंग यार्ड था उसे हमने रिक्लेमिनेशन किया है और उसे हम एक गार्डन के रूप में डेवलप किए हैं और वो लगभग 14 एकड़ की जमीन है जिसकी शासकीय कीमत लगभग 35 से 36 करोड़ रुपया आज के दिनांक पे है। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समय का कि उतने बड़े डंपिंग यार्ड को जो शहर के एंटर्स में था और लोग आते थे सब पल्ले नाक बंद करके शहर में एंटर करते थे, आज वहाँ लोग सभी घूमने जाते हैं और सब तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा ये जगह बन गया। तो एक वो गार्डन डेवलप हुआ। इसी में जो आज तक हम लोग पानी टंकी के नीचे ही इतने दिनों से ऑफिस हमारा चलता रहा है, हमने उसे भी अभी सैंक्शन करा लिया है और निश्चित तौर पे उसे बहुत जल्दी काम शुरू करा दिया जाएगा, जिससे एक जो ऑफिस पूरे शहर के ऊपर काम कर रहा है, अच्छी सोच के साथ काम कर रहा है और परेशान रहता है, एक अच्छा अपना बिल्डिंग हो जाएगा और मीटिंग और सभा जो होती है वो सारी चीजें हमारे ऑफिस बिल्डिंग में होने लगेगी। निगम क्षेत्र में डॉक्टर अजय तिर्की ने इसके साथ सड़क सुविधा, ट्रैफिक सिग्नल, स्टेडियम के लिए स्वीकृति, सब्जी मंडी के लिए प्रयास, ट्रांसपोर्ट नगर जैसी सौगातें भी दी हैं। वहीं सबसे बड़ा काम यहां ड्रेनेज सिस्टम पर भी हुआ। अब अंबिकापुर शहर में खुली नालियां नहीं दिखती। डॉक्टर तिर्की का कहना है कि मैं अपने अंतिम दिनों तक निगम के विकास के कार्य करते रहूंगा। मैंने जनभावना के अनुरूप अंबिकापुर को विकसित करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे शहर में जो सड़कें हैं, मेरी इच्छा थी कि सभी सड़कें बहुत अच्छी हो जाए। हमने बहुत काम कराए भी सड़कों में, लेकिन इस बार के बारिश में काफी खराब हुआ और चूंकि अभी तक भी अनएक्सपेक्टेड पानी है तो रिपेयर अभी नहीं हो पाया है। मेरी इच्छा है कि सारे गली गली की सड़कें बहुत अच्छी हो जाए। हमने जो ड्रेनेज सिस्टम जो अभी किया है कि कोई भी ड्रेन बिना कैप का नहीं बनेगा, उसके कारण शहर में काफी बेहतर स्थिति हुई और जो कचरे कभी कभी नाली में जाने के कारण जो ब्लॉकेज की स्थिति होती थी, आप देखिएगा कि शहरों में कहीं पे भी अभी ओवरफ्लो की स्थिति रेयर मिलेगा। ये स्वच्छता का भी एक पहलू है और जो ड्रेन कैप करके बना रहे हैं उसका भी। और निश्चित तौर पे ट्रांसपोर्ट नगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी डिक्लेयर करके गए थे पिछले, वो नहीं मिल पाया उसका टीस, और सब्जी मंडी को जो बड़ा स्वरूप देने का वो हम नहीं पूरा कर पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो हम सैंक्शन करा लेंगे। इस 10-15 दिन में हम सैंक्शन करा लेंगे, और लेकिन एक तीस रहेगी कि उसे हम नहीं पूरा कर पाए। और एजुकेशनल हब बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, मैं देखने भी गया था उसी एरिया में, एक स्टेडियम के लिए भी हम जमीन देखने गए थे, वो जमीन हमें पसंद भी आई। और शहर तो निश्चित तौर पे बाहर निकलेगा ही, तो 10 मिनट का रास्ता है वहाँ पे, स्टेडियम के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं वो मिल जाएगा, तो एक अच्छा स्टेडियम भी हम वहाँ पे डेवलप करना चाहें। एक हमारा और पुलिस विभाग का कंबाइंड एफर्ट था कि हम लोग PPP मॉडल पे जो सिग्नल्स लगाने थे शहर में, उसे एक शहर में एक ट्रैफिक के लिए जागरूकता भी, और आप देखेंगे कि अंबिकापुर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड हो गया है और निश्चित तौर पे ये सिग्नल्स लगने चाहिए थे, और 10 जगह पे अभी हम लोगों ने उसे डेवलप किया है, जैसे कि लोगों में जागरूकता और एक्सीडेंटल केसों में कमी निश्चित तौर पर रहती है, क्योंकि हर चौक पे आज आदमी आपाधापे में रहता है, ऑफिस की जरूरत और अन्य कामों के दबाव के कारण बहुत स्पीड और ये रहता है, तो वो भी बहुत जरूरी था और उसके कारण एक शहर में एक लुक भी आ जाता है। वहीं अंबिकापुर के लोगों को भी अपने महापौर के ऊपर पूरा भरोसा है। लोग डॉक्टर अजय तिर्की के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं। वे मानते हैं कि बीते 5 साल में खूब विकास हुआ है। क्या कहना है लोगों का सुनिए। हमारे महापौर जी काफी अच्छे हैं और ये देखा गया है कि कई सारे लोगों को मुफ्त में इलाज करते हुए देखा गया है। महापौर जी बहुत अच्छे हैं और लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महापौर जी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अभी उनके देख रेख में बहुत अच्छा काम चल रहा है और अनुभवी भी हैं, और पहले ये डॉक्टर रह चुके हैं तो उनको अनुभव भी है और अच्छा काम करवा रहे हैं शहर में। नगर वासियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और जो भी उनका अभी जो शहर में आप देख रहे हैं कार्य,
उन्हीं की देखरेख में हुआ है और मैं समझता हूँ कि जब से कांग्रेस सरगुजा में आई है उनके कार्य से काफी संतुष्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर अजय तिर्की ने अंबिकापुर के जरिए छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक मॉडल शहर राज्य का नाम देने का काम किया है। वास्तव में जो अथक प्रयास अंबिकापुर को क्लीन सिटी बनाने में डॉक्टर तिर्की का रहा है वह अनुकरणीय है। यही वजह है कि अंबिकापुर शहर को न सिर्फ देखने बल्कि यहाँ की साफ सफाई के साथ विकास को समझने सीखने के लिए लोग आ रहे हैं। महापौर के इन प्रयासों की तारीफ तो होनी ही चाहिए। लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना था उन उम्मीदों पर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की पूरी तरह से खरे उतरे हैं। उम्मीद करते हैं अंबिकापुर हर क्षेत्र में देश का नंबर वन नगर निगम बनेगा। अंबिकापुर से सहयोगी मनोज यादव के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।